Hey, welcome to the first episode of VFX Artistry Act. हम आज बात करेंगे आदि पुरुष के ट्रेलर के बारे में और उसके VFX के बारे में। उसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी खूबियां हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। 6 महीने पहले जो टीजर आया वो तो आपने देखा ही होगा और इस पे बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाए। उसमें गलतियों का तो भंडार था, मतलब कार्टून बना दिया था कदे। VFX का तो मजाक बना कर दिया था इन्होंने। क्या गालियां पड़ रही थी टीजर को, रावण को तो सस्ता जॉन स्नो बना दिया। कार्टून नेटवर्क का शो लग रहा था वो। इवन NYVFX वाला जो कि VFX स्टूडियो है, उन्होंने फिर नोटिस रिलीज कर दिया, पब्लिक नोटिस कि हमने इस मूवी के VFX पे काम नहीं किया है, हम इस मूवी के VFX के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आखिरकार इतनी गालियां पढ़ने के बाद मूवी के मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसको हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि हमको इस मूवी के VFX को इम्प्रूव करने के लिए और टाइम चाहिए। फिर उन्होंने 6 महीने पोस्टपोन कर दिया। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को और देखते हैं कि इसका VFX कितना इंप्रूव हुआ है और इंप्रूव हुआ भी है कि नहीं हुआ है वो देखते हैं। और अगर इंप्रूव नहीं हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता था। तो आइए पहला शॉट देखते हैं। दिस शॉट, जैसा आप देख पा रहे हैं शॉट में, द बैकग्राउंड बिहाइंड दीज थ्री कैरेक्टर्स इज लाइक कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ CG और इट लुक्स लाइक दे जस्ट डाउनलोडेड फ्रॉम द मिड जर्नी गिविंग द प्रॉम्प्ट। सो वॉट इज ऑफ इन द शॉट, आई थिंक इट्स लाइटिंग। द लाइटिंग इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द शॉट एंड दीज थ्री कैरेक्टर्स आर लाइक overly lit, there is no directional light on the characters. तीनों character अभी over bright है और it's like environment में अभी नहीं जा रहा उनका color. इन्होंने lighting match नहीं की, background की character के साथ lighting match नहीं की। अगर ये तीनों character green screen पे shoot हुए हैं, lighting match करके shoot करने चाहिए थे। अगर चलो lighting match नहीं भी हो रही है background के साथ, तो at least character का जो lighting है वो background के साथ match करना चाहिए था। Let's go to the next shot. It's not 100% real. There are lots of things like the fill light is missing. So when you pause this shot, it looks like it is real. The deer is real, the animal is real. But when you play this shot, there is an obvious problem in animation. Texturing is good, modeling is also good, and the lighting is also good. जब animals का animation होता है, तो animators जो होते हैं अपने वो मैनुअली एनिमेट करते हैं। एनिमल्स का जब एनिमेशन करना होता है तो उसके लिए कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, उसके लिए कोई मोकैप सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम एनिमल को या किसी जानवर को मोकैप सूट नहीं पहना सकते। एनिमल का भी मोकैप एक ह्यूमन कैरेक्टर ही करता है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एनिमल्स एनिमेशन। सो यूजुअली एनिमेटर एनिमल का एनिमेशन मैनुअली करता है बाय गिविंग की फ्रेम, बाय टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द रियल एनिमल्स। जानवर का एनिमल का जो रियल मूवमेंट रहता है वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है काम, उसके लिए बहुत टाइम लगता है वो रियलिस्टिक एनिमेशन लाने के लिए। सो एज यू नो कि इस मूवी के पास तो ऑलरेडी टाइम नहीं था। सो या तो देर इज़ अ प्रॉब्लम विद एनिमेशन। अगर इसका एनिमेशन सही होता ये शॉट बिल्कुल रियलिस्टिक लगता। Let's go to the next shot. So, ये शॉट इन लोगों ने जंगल में शूट किया है। शूट तो उन लोगों ने नाइट के टाइम ही किया था। और ये जो भी ऑब्जेक्ट ऑन फायर है, जो चल रहा है अभी, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था ऑब्वियसली। तो उन लोगों ने फायर का रिफ्लेक्शन, लाइटिंग, इंटरेक्शन सब क्रिएट किया है। दैट इज गुड, काफी हद तक शॉट अच्छा है। लेकिन मैं अभी रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूंगा। जो फायर जल रही है और उसका जो वाटर में रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बहुत ही फेक लग रहा है। बेसिकली पहले तो रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्टेड होगा, जो वाटर का जो डिस्टॉर्शन है वो रिफ्लेक्शन पे भी इफेक्ट करेगा और वो फायर के रिफ्लेक्शन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी वो वाटर डिस्टॉर्शन वाली फील नहीं आ रही इसमें, क्योंकि डिस्टॉर्शन लोगों ने डाला ही नहीं है, यूज ही नहीं किया है। सो ओवर द रिफ्लेक्शन उन लोग को डालना चाहिए था एक डिस्टॉर्शन, वाटर के आसपास या फिर वाटर के ऊपर कहीं भी अगर फायर या कोई लाइट हाई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका स्पेक
एक हाईलाइटेड स्पेक्युलर वाला इफेक्ट आता है। जैसे देखिए आप इस इमेज में कैसा इफेक्ट आ रहा है, जब वाटर में रिफ्लेक्शन आता है तो ऐसी स्पेक्युलर हाईलाइट एरियाज रिफ्लेक्ट होते हैं। सो वो इसमें मिसिंग है, स्पेक्युलर्स नहीं है और डिस्टॉर्शन नहीं है, ऐसी दो चीज़ें मिसिंग हैं जिसकी वजह से ये शॉट बहुत ही फेक लग रहा है, इसका रिफ्लेक्शन बहुत ही फेक लग रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शॉट। ये सबसे ट्रेलर का खराब शॉट बोलूंगा मैं, क्योंकि इस शॉट में सब कुछ ऑफ है। इसमें देखिए लाइटिंग अपोजिट साइड से आ रही है, जो कि ये है स्काई, यहाँ से आपका जो स्काई है आपको दिख रहा है वो वहाँ से, मतलब बैक साइड से अपोजिट लाइटिंग आ रही है। हनुमान जी के ऊपर जो लाइटिंग आ रही है वो टॉप से आ रही है, उसके बॉडी पे देखिए ये जो लाइटिंग यहाँ पड़ रही है, मतलब अगर वो लोग टॉप से लाइट, यहाँ पे टॉप से लाइट आ भी रही है हनुमान जी के ऊपर और सीता के ऊपर, तो जस्टिफाई करने के लिए वो लोग हेज या लाइट सोर्स दिखा सकते थे थोड़ा, तो वो उन लोगों ने नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि इस शॉट में टॉप से लाइटिंग आनी ही नहीं चाहिए थी, उसको कैरेक्टर थोड़ा सिल्वेट में जाता, अपने हनुमान जी थोड़े से ब्लैक होते, थोड़े से डार्क होते, और ये लाइटिंग रिमूव करनी चाहिए थी उनको, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे किया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शॉट। बहुत ही ध्यान से देखिए, इस शॉट में प्रभास का पूरा बॉडी स्टिल फ्रेम है, मतलब स्टैटिक है, उसका फेस स्टैटिक है, फेस पे कोई मूवमेंट नहीं है, ना यहाँ पे हेड पे कोई मूवमेंट है, ना उसके एरोज का जो है पीछे जो पार्ट है वहाँ पे कोई मूवमेंट है, पूरे बॉडी पे कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ये हाथ और ये एरो वही मूवमेंट दिखेगा आप लोग। सो पूरा ऐसा लग रहा है कि उसका बॉडी पूरा स्टिल फ्रेम यूज कर लिया और उसका हैंड और ये बस एनिमेट कर दिया। मैंने शॉट पे काम किया है और ये शॉट को काफी हद तक इम्प्रूव किया, जैसा आप देख पा रहे हैं अगर आप ट्रेलर में देखोगे तो ये शॉट कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन मैंने पर्टिकुलर एरियाज में कॉन्ट्रास्ट लेवल और स्काई में लाइटिंग थोड़ी चेंज करके, स्काई को थोड़ा ओवर ब्राइट करके और हनुमान जी पे जो लाइटिंग आ रही है उसको थोड़ा सा रिमूव करके, थोड़ा सा कम करके एक वर्जन बनाया मैंने। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिख रहा है। ये ट्रेलर का शॉट है और ये मेरा शॉट है जो मैंने बनाया है। मैंने इस क्लिफ को थोड़ा सा डार्क किया है, क्योंकि किसी भी सीन में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पास आता है उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल उतना ही बढ़ता है, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ाई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बढ़ाई है थोड़ी सी डार्कनेस पर, वो इसलिए क्योंकि चीजें ये जैसा हम देख पा रहे हैं इस शॉट में हनुमान जी लार्जर देन लाइफ है और वो एक खाई के अंदर खड़े हैं। सो खाई बहुत डीप है अगर देखा जाए तो, जैसा उनका साइज है हनुमान जी का, तो वो खाई बहुत डीप है, जितनी खाई डीप होगी उतनी ही डार्क होगी इन द नाइट। एंड थोड़ा सा मैंने स्काई का जो ऑलरेडी ब्राइट एरिया था उसको थोड़ा ओवर ब्राइट कर दिया, ओवर एक्सपोज कर दिया, ताकि मैं एक सिल्वेट वाला फील दे सकूँ हनुमान जी पे, हनुमान जी को थोड़ा डार्क कर सकूँ, तो वो आना चाहिए फील कि हाँ अपोजिट डायरेक्शन से लाइटिंग आ रही है और हनुमान जी थोड़े से डार्क होंगे। ओवर एक्सपोज लाइट जब कैमरा की तरफ आती है, इतनी हार्श लाइट आती है, तो कैमरा पे एक इफेक्ट आता है, सम काइंड ऑफ लेंस फ्लेयर और समटाइम्स इट इज जस्ट अ हेज, तो वो एक इफेक्ट दिया मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो वो चीज़ें मैंने करी यहाँ पे, और ऑब्वियसली मैंने लाइटिंग रिमूव करी है जिसके हनुमान जी के बॉडी से मैंने ये लाइटिंग रिमूव करी है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग मैंने रिमूव करी है, उसकी हाइलाइट्स थोड़ी दबा दी है मैंने। ये बेसिक चीज़ें हैं जो की जा सकती थी तो शॉट और बेटर लगता आई थिंक, दैट्स इट। ओके, तो अब आते हैं इस यूट्यूब चैनल के असली मोटिव पे। सो मेरा मोटिव ये है कि इस चैनल के थ्रू मैं VFX के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करूं आप लोगों से। जिस तरह के प्रोजेक्ट अभी बॉलीवुड मूवीज में बन रहे हैं और आगे बनने वाले हैं, उनमें एक्सटेंसिव VFX यूज होगा, और इन फ्यूचर में ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूंगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो VFX पे यूज होते हैं, जैसे न्यूक हो गया, माया हो गया, ब्लेंडर हो गया, इन सबसे रिलेटेड प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूंगा। प्रोफेशनली लोग VFX स्टूडियोज में काम कैसे करते हैं, रेड चिलीज एंड वाई VFX वाला, और भी VFX स्टूडियोज हैं उसके लिए VFX आर्टिस्ट काम कैसे करते हैं, उनका काम करने का तरीका कैसा होता है,
उसी तरीके से मैं ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूंगा और यही उम्मीद होगी कि आपको ये चीज़ें पसंद आए और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।